Students, welcome on my channel. Today we are discuss about uniform convergent and continuous. हमारा टॉपिक यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के बारे में चल रहा है, तो आज हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट का नेक्स्ट टॉपिक जो है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट एंड कंटिन्यूटी और डिफ्रेंशिबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग एक सीक्वेंस को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट प्रूफ करेंगे. कैसे रजे? जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बाय इंटीग्रेशन प्रूफ करके फंक्शन को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट प्रूफ किया था, इन दी सेम वे इस वीडियो में आपके पास फंक्शन ऑफ सीक्वेंस गिवन है, उसमें कंटिन्यूटी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हम उसे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट करेंगे. कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट एंड कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल, दोनों पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम. अब इसके अकॉर्डिंग क्या सीक्वेंस है रजे? हमारे पास जो भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट करते हैं वो किसी ना किसी डोमेन में करते हैं. कोई ना कोई हमारा डोमेन इंटरवल गिवन होता है जिसमें हम जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसको कन्वर्जेंट करते हैं. तो इसकी स्टेटमेंट बी, बी अ सेट ऑफ, डी इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड एफ ऑफ एन एक्स बी अ सीक्वेंस ऑफ, ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस सच दैट एफ ऑफ एन एक्स इज कंटिन्यूस. एफ ऑफ एन एक्स क्या है रजे? आपके पास कंटिन्यूस है. एफ ऑफ जो गिवन सीक्वेंस होगी वो कंटिन्यूस है. ये जो कंटिन्यूस वाला है उस सीक्वेंस में ही अप्लाई होगा जिस सीक्वेंस में आपकी जो फंक्शन की सीक्वेंस गिवन है वो कंटिन्यूस है. वो आपका स्टेटमेंट देख के पता चल जाता है भी ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है. तो ये कंटिन्यूस है, सच रहे ये कंटिन्यूस है. देन जो हमारी एफ ऑफ एन एक्स इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, इफ हमारी एफ ऑफ एन एक्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगी कब? इफ जो हम इसकी लिमिट निकालते हैं, लिमिट क्या निकालते हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स. इफ एफ ऑफ एक्स दैट मीन्स लिमिट ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस. क्या है रजे? हमारे पास जो सीक्वेंस है फंक्शंस की एफ ऑफ एन एक्स वो तो कंटिन्यूस है, ठीक है, गिवन है. गिवन नहीं भी है तो फंक्शंस को देख के पता चल जाता है भी ये कंटिन्यूस फंक्शन है. तो हमने पहले उसकी लिमिट निकालनी है एफ ऑफ एक्स, जो हमने बहुत बार निकाली हुई है. कैसे निकालते हैं? अगर हमारी एफ ऑफ एक्स लिमिट वो भी कंटिन्यूस आ जाती है तो हमारी जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगी. अगर वो कंटिन्यूस नहीं आ रही तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगी. कैसे? एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एफ ऑफ एन एक्स दैट इज cos raised to power n x, ये आपके पास है 4 minus pi by 2 less than equal to x, जो आपकी डोमेन है वो आपके पास ये गिवन है minus pi by 2 से लेके pi by 2. डिस्कस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑफ f of n f x. हमने इस चीज की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट को डिस्कस करना है. स्टेटमेंट समझ में आ गई? सिंपल है, फंक्शन गिवन है, डोमेन गिवन है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट प्रूफ करना है. अब हम इसे कैसे करें? बाय एमएन टेस्ट, इंटीग्रेशन, जैसे भी करो आप, लेकिन इसमें हम कंटिन्यूज मेथड लगाएंगे. सॉल्यूशन कैसे करेंगे रजे? हमारे पास जो फंक्शन है एफ एन एक्स कोस रेस्ट पावर एन एक्स है, वी नो, हमें मालूम है रजे, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं इज एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन. हमने प्लस टू क्लास में किया हुआ है, एक्सपोनेंट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन. एवरीवेयर क्या होता है? एवरीवेयर का मीनिंग क्या है रे? जो होल रियल लाइन है, होल रियल लाइन, उस फुल रियल लाइन पे वो फंक्शन कंटिन्यूस है. तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या है? होल रियल लाइन पे कंटिन्यूस है. दैट मीन्स सिंस एफ ऑफ एन एक्स which is equal to cos raised to power nx is continuous, हो गया ये.
अगर ये एवरीवेयर कंटिन्यूज है तो कंटिन्यूज हो गया इन दिस इस इंटरवल में तो होगा ही होगा, फुल में था तो यहाँ पे भी कंटिन्यूज हो गया। अब हमारी फर्स्ट कंडीशन तो होगी सच दैट एफ ऑफ एन एक्स कंटिन्यूस है, तो हम ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमें लिमिट निकालनी पड़ेगी, फिर उसे देखना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूस है, अगर वो कंटिन्यूस हुआ तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। तो एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए ये थोड़ा सा सोचो, देखो कोस एक्स है, कोस एक्स अगर लिमिट निकालोगे आप एफ ऑफ एक्स लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कोस एस टू पावर एन एक्स, ऐसे निकालेंगे हम एक्स की वैल्यू इसमें से चूज करते हैं हम। एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो लेंगे, इफ वी टेक एक्स जीरो, जीरो लोगे तो कोस जीरो क्या हो जाएगा वन, दैट मीन्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, जब आप एक्स जीरो लोगे देन जो हमारी एफ ऑफ एक्स आ रही है जीरो लिख लो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कोस एस टू पावर एन इंटू जीरो, कोस जीरो कितना हो गया वन, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन एस टू पावर एन दैट इज अ वन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई वन, जब हमारे पास एक्स क्या थी वन सॉरी एक्स क्या थी जीरो। अब जीरो इसके मिड में से लिया हमने कोई पॉइंट, जीरो क्यों पिक किया क्योंकि जीरो पे ही इसकी वैल्यू थोड़ी डिफर एग्जिस्ट कर रही है। अब हम इंटरवल और डिवाइड करेंगे जीरो से लेके पाई बाई टू तक और माइनस पाई बाई टू से लेके जीरो तक, क्योंकि हमने प्लस टू क्लासेस में जो टेबल किया है उस टेबल में हमने जीरो से लेके पाई बाई टू तक कॉस फंक्शन साइन टैन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने वैल्यूज निकाली हुई है। जीरो से लेके पाई बाय टू तक की जो वैल्यू आती है रजे व्हेन एक्स लाई बिटवीन जीरो एंड पाई बाय टू इक्वल टू का सिंबल यहाँ पे दिया रजे, यहाँ पे नहीं दिया क्योंकि जीरो इक्वल वाले तो हमने केस डिस्कस कर लिया, जीरो से ग्रेटर है और पाई बाय टू के बिटवीन और पाई बाय टू सब वैल्यू। इन वैल्यूज में रजे जो कोस एक्स की वैल्यू है वो क्या होती है जीरो या वन भी लेस देन वन होती है, ठीक है ना। इन दिस इंटरवल कॉस एक्स वैल्यू इज लेस देन वन, लेस देन वन आएगी, अगर लेस देन वन आएगी, अगर लेस देन वन की हम पावर एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेते हैं ए रेस टू पावर इन्फिनिटी, अगर ए लेस देन वन होती है तो हमारा उसकी जो लिमिट है वो क्या आ जाती है जीरो। दैट मीन्स इस केस में रजे आपकी जब आप लिमिट निकालोगे एफ ऑफ एक्स वो क्या आ जाएगी जीरो, क्योंकि जीरो से लेके पाई बाय टू के बीच में कोस एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन वन आएगी, जब आप लेस देन वन की पावर लोगे इन्फिनिटी पावर लोगे तो हमारे पास जैसे हमारे पास होता है ए रेस टू पावर एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर हमारा जो ए है बेस वो लेस देन वन होता है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है जीरो। ये हमने थ्योरम्स में लिमिट्स में किया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारी एफ ऑफ एक्स क्या आ गई जीरो। अब ये तो रहा जीरो से लेके पाई बाय टू, इन दी सेम वे अगर मैं माइनस पाई बाय टू से जीरो लूंगी तब भी मेरी वैल्यू क्या आएगी कोस एक्स की माइनस वन, क्योंकि ये ग्राफ रिपीट करता है अपना, तो लेस देन वन आएगी, तो इस केसेस में भी आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा जीरो। अब हमारा रिजल्ट क्या बना रजे, अब हमारे पास जो कोस एक्स टू पावर एन एक्स था एफ ऑफ एक्स लिख दो ना एफ ऑफ एक्स आइए एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इसकी वैल्यू रजे वन आई व्हेन when x is 0, 0 i when x i between 0 to pi by 2, पहले माइनस वाला लिखना था ना, माइनस पाई बाय 2 से 0, 0 से पाई बाय 2, होल इंटरवल को हमने डिवाइड कर लिया। अब ये देखो रजे जो f ऑफ x फंक्शन है हमने ये देखना भी कंटिन्यूस है कि नहीं है। अब देखो एट x इज इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो पे वन आ रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है जीरो,
कंटिन्यूस के लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, बट फंक्शन वैल्यू क्या आ रही है 1, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है 0, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है 0, दैट मींस एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूड एज 0. सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट 0. अब ये 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, दैट मींस एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूस नहीं है. अगर इस फुल डोमेन की बात करें तो अगर एक पॉइंट भी वो डिसकंटिन्यूस हो गया, दैट मींस फुल डोमेन के लिए होल्ड हो गया. हेंस एफ ऑफ एन एक्स इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट इन दिस, इस बीच इसके बीच वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है. लेकिन अगर हम डोमेन चेंज करते थे ना, अगर इसमें से माइनस 0 कर देते तो ये हो जाता, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हो जाता बाय कंटिन्यूस की जो हमारी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग, फिर हमारा एफ ऑफ एन एक्स फंक्शन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाता. लेकिन यहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं आया, जब डिसकंटिन्यूस लिख लो तो इज नॉट यूनिफॉर्म. ये थी रहते हमारी एग्जाम्पल. एग्जाम्पल ई रेज टू पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर हमारे पास गिवन है, इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट इन दिस एज फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन. इन्होंने ऑलरेडी एग्जाम्पल में गिवन दिया हुआ है भी जो फंक्शन है हमारा वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है. हमने इस डोमेन के इंटरनल इसको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट प्रूव करना है. तो अगर कंटिन्यूस है तो हम वही कंटिन्यूस वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, हमारी थ्योरम यूज करेंगे. उसके अकॉर्डिंग हम इसका जो लिमिट आएगा एफ ऑफ एक्स, जो लिमिट आएगी उस लिमिट को हम कंटिन्यूस प्रूव करेंगे अगर वो होगी. देखिए अब हम सॉल्यूशन, हमारे पास f of nx which is equal to e raised power minus n x square is continuous. ये continuous है, already given है. अगर given नहीं भी है तो भी हमारा exponent function everywhere continuous function होता है. f of nx हो गया. अब limit f of x निकालें at x is equal to 0. हमारी domain है in 0 to 3. एट एक्स इज इक्वल टू 0 जब हम एफ ऑफ एक्स निकालेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस, जब 0 फिल करोगे रजे 0 हो गया, ई रेज टू पावर 0 कितना आ गया 1. अब उसके बाद जब आपकी एक्स क्या है बिटवीन 0 एंड 3, जब आपकी 3 इज इक्वल टू 3, दोनों केसेस में भी सेम ही आएगा. एफ ऑफ एक्स इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर रख लेते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1, 2, 3 कितनी भी आए एन एक्स स्क्वायर, ठीक है. अब इसमें लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाय ई रेज टू पावर एन एक्स स्क्वायर, अगर इन्फिनिटी लगाओगे ई रेज टू पावर इन्फिनिटी डेट इज इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी इज 0. इसमें वही बात होगी रजे, 2 वैल्यूज आ गई. तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो क्या बन गया, जब x 0 थी तब आपकी वैल्यू कितनी आई है 1, और when x lie between 0 और 3 तो आपकी वैल्यू आई है 0. तो इस केस में भी देखो रजे, जो f ऑफ x फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूज हो गया एट x इज इक्वल टू 0 पे. कैसे डिसकंटिन्यूज हो गया, क्योंकि जो फंक्शन की वैल्यू है वो तो 1 आ रही है, लेकिन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट हमारी 0 आ रही है. तो एट x इज इक्वल टू 0 f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूज हो गया. अगर ये डिसकंटिन्यूज हो गया तो बाय थ्योरम हमारा जो फंक्शन था इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट. कब रहे, क्योंकि 0 पॉइंट क्या आ रहा है हमारा डिसकंटिन्यूज वाला. हेंस f ऑफ एन एक्स जो हमारा फंक्शन था e रेस्ट पावर माइनस एन एक्स स्क्वायर इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट. इज नॉट, देखो कितना इजिली प्रूफ हो गया इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट. इसी फंक्शन को आप बाय इंटेग्रेशन बाय एम एन टेस्ट किसके अकॉर्डिंग में निकाल सकते हो, तब भी ये नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा. लेकिन एक बार देखने वाली है रजी, यहाँ पे ओनली 0 वाला पॉइंट आ रहा है ब्रेक. अगर मैं डोमेन चेंज कर लूँ, डोमेन कर लूँ इन 1 से 3 कर लूँ, 3 की स्पेस पे 4, 5 कुछ भी ले लूँ,
भी जो मेरा डिसकंटिन्यूस वाला पॉइंट है वो बाहर निकाल दूं और बाकी डोमेन में ले लूं, तो यही जो हमारा फंक्शन है ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। तो इसलिए रजे जब भी आप यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट डिस्कस करते हो तो वो डोमेन पे मोस्टली डिपेंड होती है। अभी डोमेन क्या गिवन है आपके पास, वन और थ्री के बीच में अगर डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट कट जाएगा, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस अगर हम डोमेन लेंगे वन से थ्री, जब वन से लेके कुछ भी हायर।